अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड द पेज नंबर इज़ 55 एंड आवर टॉपिक नेम इज़ वोल्टेज। सो वी स्टार्ट रीडिंग। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नीड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के एक सोर्स की ज़रूरत होती है। दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड द वोल्टेज और पुश नीडेड टू मेक अ करंट फ्लो इन अ सर्किट। अब वो सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द वोल्टेज और पुश। वो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो उस सर्किट को वोल्टेज या फिर पुश प्रोवाइड करता है, जो कि उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए ज़रूरी होता है। द हायर द वोल्टेज द मोर एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन इज गिवन। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। सो द मोर एनर्जी इट कैन प्रोवाइड एज इट फ्लोज राउंड अ सर्किट, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में रिवॉल्व करेगा या पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, उतनी ही ज़्यादा हाई वोल्टेज की एनर्जी जो है वो उसे मिल जाएगी। वोल्टेज इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड वोल्ट्स। अगर वोल्टेज के यूनिट्स को देखा जाए तो इसके यूनिट्स हैं वोल्ट्स। इसके बाद है पेज नंबर 56। अ 12 वोल्ट कार बैटरी इज मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स जॉइंट टुगेदर। कार की एक बैटरी दिखाई गई है 12 वोल्ट की, तो इसमें देखें डिफरेंट सेल्स जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन किए गए हैं। उसके बाद है मेंस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 230 वोल्ट इज यूज्ड टू चार्ज दिस इलेक्ट्रिक कार। ये इलेक्ट्रिक कार दिखाई गई है, इसको चार्ज करने के लिए 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चाहिए होती है। उसके बाद है मेजरिंग वोल्टेज। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है उसी तरह से वोल्टेज को भी मेजर किया जाता है। इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है देखते हैं। वोल्टेज इज़ मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। अनलाइक एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस अ कंपोनेंट इन अ सर्किट नॉट इन अ सर्किट इटसेल्फ। एम मीटर जो है वो तो सर्किट के अंदर कनेक्टेड होता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है ये सर्किट के किसी भी पार्ट के साथ कनेक्ट होता है, किसी पार्ट के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखें बैटरी के साथ वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ दिखाया गया इस डायग्राम में। नेक्स्ट है लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर्स मस्ट बी कनेक्टेड द राइट वे राउंड। बिल्कुल एमीटर्स की तरह ही वोल्ट मीटर्स को भी सर्किट के अंदर सही जगह पर कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इफ नॉट द पॉइंटर मूव्स द रॉन्ग वे एंड द मीटर कुड बी डैमेज। अगर ऐसा ना हो तो सर्किट जो है वो डैमेज हो सकता है। ये दो डायग्राम्स दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि जितना ही वोल्टेज ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। वोल्टेज कम हो तो बल्ब भी जो है वो कम ग्लो करता है। नेक्स्ट है वोल्टेज राउंड सर्किट। सर्किट के इर्द गिर्द जो वोल्टेज है, बैटरी और अदर पावर सप्लाई प्रोवाइड दी टोटल वोल्टेज फॉर अ सर्किट। बैटरी या कोई दूसरी पावर सप्लाई जो है वो टोटल वोल्टेज किसी भी सर्किट को प्रोवाइड करती है या सप्लाई करती है। द वोल्टेज अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स इन अ सर्किट मस्ट ऑलवेज एड अप टू द सप्लाई वोल्टेज। The voltage is shared out between the components of the circuit. तब एक सर्किट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब must always add up to the supply voltage. उन सब को कंपोनेंट्स को वोल्टेज जो है वो शेयर किया जाता है। The circuit diagram shows how the three voltage produced by the battery is shared equally between the two bulbs in the circuit. यहाँ पर three voltage battery जो है देखें किस तरह से दो bulbs को एक ही circuit में voltage provide कर रहा है। three volts की battery है और दोनों bulbs को 1.5 volt 1.5 volt जो है वो provide किए जा रहे हैं। Next phase number 57 पर इसका टेस्ट योर सेल्फ गिवन है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिड यू नो में है द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होता है, तो ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन से ड्राइव किया गया है। टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल सर्किट नीड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड द वोल्टेज और पुश नीडेड टू मेक अ करंट फ्लो इन अ सर्किट। जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को इलेक्ट्रिसिटी के एक सोर्स की ज़रूरत होती है। वो सोर्स जो है सर्किट को वोल्टेज या पुश प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो कर सके।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट बताना है। वोल्टेज इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड वोल्ट्स, वोल्ट्स जो हैं ये वोल्टेज का यूनिट है, इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट हैपन्स टू अ लाइट बल्ब इन अ सर्किट व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। मतलब कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज इंक्रीज कर दिया जाए, वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, तो बल्ब की लाइट पर क्या इफेक्ट होगा, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया, द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरीज टू मेजर देयर वोल्टेज, द हायर द वोल्टेज द मोर एनर्जी इज प्रोवाइडेड सो द बल्ब इज ब्राइटर। वोल्ट मीटर जो है ये बैटरीज के इर्द गिर्द कनेक्ट किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। द हायर द वोल्टेज द मोर एनर्जी इज प्रोवाइडेड, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बल्ब को मिलेगी, उतना ही ज़्यादा बल्ब जो है वो ब्राइट होगा या ज़्यादा ग्लो करेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, तो ये आपने नहीं करना, इसको कट कर दें। तो और ये पहले तीन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, और आपने इनको याद भी कर लेना है और अपनी नोटबुक्स पर नोट भी कर लेना है।